अखिलेश यादव का सबसे बड़ा प्रण, बीजेपी से छीनेंगे अपना गढ़। 2022 में बदल रही थी सरकार, अधिकारियों ने बदला व्यवहार। अखिलेश यादव का मास्टर प्लान, पास करेंगे 2024 का इम्तिहान। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएस संतोष बैठक कर प्लानिंग बना रहे थे। उधर अखिलेश यादव का बड़ा संदेश काम कर गया। अखिलेश यादव अब की बार पूरे फुल फॉर्म में हैं और यूपी से ऐसी आवाज लगाई कि दिल्ली तक हिल गई। बड़े बड़े विरोधी अखिलेश के ऐलान पर चुप हो गए। बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टियों के सामने बोलने तक को कुछ नहीं है। ऐसे में सियासी संदेश नहीं है तो और क्या है। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया, राजनीति भी पूरी तरह से हाई है, क्योंकि अब की बार सियासत सिर्फ सत्ता के लिए नहीं होने वाली बल्कि अखिलेश यादव बदला लेने वाले हैं। अखिलेश यादव ने जैसे ही ये संकेत दिए तो बीजेपी में भगदड़ मच गई, क्योंकि ऐलान कोई मामूली नहीं था। ऐसे में राजनीति तो होती ही रहती है, लेकिन अब बदला लिया जाएगा। ये बात अखिलेश के विरोधियों को हजम नहीं होने वाली, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब यूपी सियासत में बदले के बदले बदला वाला दावपेंच चला जाएगा। अखिलेश यादव के ऐलान में सिर्फ बीजेपी से सत्ता नहीं बल्कि एक एक वो पहचान भी शामिल है जिसे कभी समाजवादियों का कहा जाता था और अब उसे वापस लाने की तैयारी भी हो गई है। आगाज है कि किसी तरह चाहे उसके लिए जनता को कैसे भी जागरूक करना पड़े करेंगे। अखिलेश यादव ने जो मास्टर प्लान बनाया वो वाकई में सियासत को हिलाने वाला है। सत्ता से लेकर विपक्ष तक सब इस समय जुगत में हैं कि कैसे भी प्लान सेट किया जाए, लेकिन ये प्लानिंग सेट होगी कैसे ये सिर्फ अखिलेश यादव जानते हैं। इसलिए इस ऐलान के लिए ऐसी जगह चुनी है जहां किसानों का भी असर है, सिख वोटर्स का भी असर है, यहां तक कि पर्यटकों के लिए भी खास सुविधाएं हैं। वहीं से अखिलेश यादव ने सियासत का सबसे बड़ा गेम खेल दिया और बीजेपी परेशान हो गई। दरअसल लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी अपना प्रशिक्षण कर रही है और कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों को मंत्र दिया जा रहा है। इस बीच अखिलेश यादव जनता को संबोधित करने लगे। कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई था और भीड़ को देखकर अखिलेश यादव भी उत्साहित थे। अब बारी थी अखिलेश यादव के उस प्लान की जिसकी कार्यकर्ता ही नहीं सपाइयों का कुनभा भी इंतजार कर रहा था। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि सपा के गढ़ रहे इलाकों को लोकसभा चुनाव में फिर से गढ़ बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि 8 से 9 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है, जून तक बूथ और सेक्टर स्तर का संगठन तैयार हो जाए। हमने पिछले विधानसभा चुनाव की समीक्षा की, कहां चूक हो गई, कहां हमारी कमी रह गई थी। समाजवादी पार्टी का ये लोक जागरण कार्यक्रम इसीलिए हो रहा है जिससे हमारे लोग जाने और समझे कि हमसे कहां कमी रह गई और क्या छूट गया। 2022 विधानसभा चुनाव में लोगों के उत्साह से लग रहा था कि हम सरकार बनाने वाले थे। उन्होंने कहा जो अधिकारियों से मिलते जुलते थे वो समझ गए थे कि सपा सरकार आने वाली है और उनका व्यवहार बदल गया था, लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो उनका व्यवहार बदल गया। लखीमपुर में गाड़ी चढ़ाने से किसानों की मौत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये बीजेपी की थार अन्याय का प्रतीक बन गई, उस थार से किसानों की जान गई। यूपी पंजाब में चुनाव था इसलिए सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। अखिलेश यादव के बयान में 3 बातें अब तेजी से जनता तक फैल रही हैं। गढ़ को वापस लाने की, जिसमें आजमगढ़, रामपुर समेत कई सीटें शामिल हैं।